वैक्सीन लगवाने के बाद आपने लोगों को होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में सुना और देखा भी है। कई बार किसी को बुखार आता है, कई केस ऐसे हैं जिनमें वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की जान भी चली गई है। लेकिन महाराष्ट्र से वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल नासिक के रहने वाले एक शख्स ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद उसके शरीर में चुंबक जैसी शक्तियां पैदा हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके शरीर पर सिक्के लोहे आसानी से चिपकाए जा सकते हैं। हालांकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस खबर और इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नासिक के इस बुजुर्ग का नाम अरविंद जगन्नाथ सोनार है। इन्होंने कुछ दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी। दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद ही उनके शरीर में इस अजीब शक्ति का विकास हुआ है। अरविंद नासिक के शिवाजी चौक के पास रहते हैं। जब पहली बार ये घटना हुई तो परिवार के लोगों को लगा कि शायद पसीने की वजह से ये बर्तन शरीर से चिपक रहे हैं, जिसके बाद अरविंद सोनार को नहलाया गया, लेकिन इसके बाद भी उनके शरीर से लोहे की चीजें चिपकती रहीं। फिलहाल ये घटना कई दिनों से चल रही है और परिवार ने इस चीज का सबूत देने के लिए एक वीडियो भी बनाया है जो अब काफी वायरल हो रहा है। ये खबर जब से लोगों के सामने आई, लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे। इस मामले में अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में क्या सच्चाई है, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। इसके पीछे कोई चिकित्सकीय कारण है या कुछ और, ये सच जल्द सामने आना चाहिए, इसीलिए हमने इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। हालांकि वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस की पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।